और आप सबको एक बात बता दूं यार, रानी झांसी की जो मूर्ति है वो क्या कहते हैं यहाँ पर आ चुकी है। पहला पार्क है यहाँ पर देखो, इधर की साइड रानी की मूर्ति का काम स्टार्ट हो चुका है यार, और यहाँ पर यार बहुत ज्यादा रश हो रहा है क्योंकि ये वाली जगह है, इस साइड कंस्ट्रक्शन का काम चालू है सारा नवी है। ये देखो ये रहा पार्क यहाँ पर, और यहाँ कहते हैं उधर की साइड रानी झांसी की मूर्ति लग रही है, स्टैचू जो भी है उधर की साइड है। यहाँ पर आप सब देख ही सकते हो पीछे कितनी ज्यादा पुलिस फोर्स है। व्लॉग कैसे लगते हैं चारों को? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। व्लॉग की शुरुआत हो रही है ईदगाह की बैक साइड से, और यार इतनी ज्यादा धूप हो रही है तो सबसे पहले छाया में चलते हैं यार, फिर व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। हाँ यार अब ठीक है, बहुत ज्यादा धूप हो रही है, व्लॉग भी नहीं बनाया जा रहा। तो यार मैं कह रहा था कि आप सबने पिछले व्लॉग के अंदर देखा होगा 3-4 दिन पहले कि हमने ईदगाह का व्लॉग बनाया था, और मैंने बोला था कि 1 सितंबर को यहाँ का डिसीजन आएगा रानी झांसी की मूर्ति का। आज हम दोनों वही कन्फर्म करने आए कि रानी झांसी की मूर्ति लगी या नहीं। मेरे साथ अयान और अबू शामा भी आ रहे हैं रास्ते में, आज ये देखेंगे हम यहाँ पर रानी झांसी की मूर्ति लग गई या नहीं लगी, कन्फर्म बता देंगे आज वीडियो। स्कूटी हमने पीछे खड़ी कर रखी यार, सबसे पहले यार असर की नमाज पढ़ लेते हैं, यहाँ पर नमाज हो रही है, जल्दी से वजू कर लेते हैं। A few moments later, असर की नमाज भी हमने पढ़ ली और नमाज पढ़कर यार माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि ईदगाह की बैक साइड पर यहाँ पर भी नमाज होती है, तो यहाँ पर भी नमाज पढ़ा करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं। चलो अब चलते हैं पीछे चलकर देखते हैं। मैं स्वागत होगा आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग में, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो। वैसे तेरे को क्या लगता है रानी झांसी की मूर्ति लग गई होगी या नहीं भाई? तो वहीं जाकर पता लगेगा ना कि लगी हुई कि नहीं। और आप सबको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ यार, मैंने बोला था कि 1 सितंबर को डिसीजन आएगा, तो डिसीजन यार आ गया, और आज सितंबर यार इतनी देर में सितंबर कर यार, अक्टूबर है यार, तूने बताया भी नहीं मेरे को भाई, तेरे ध्यान में। चलो यार अक्टूबर को यहाँ पर डिसीजन को हुआ था, तो फाइनली क्या कहते हैं वो जो डिसीजन था वो हाँ आ गया है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर रानी झांसी का जो वर्क था वो स्टॉप कर दिया गया था, और यहाँ पर बोला गया था कि 1 अक्टूबर को यहाँ पर डिसीजन आएगा, तो डिसीजन हाँ आ चुका है और यहाँ पर काम फिर से स्टार्ट हो गया है। बस ये देखना मैं यहाँ पर मूर्ति लगी है नहीं, और आगे बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स होगी तो यार बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो जैसे भी वीडियो बनाऊँ थोड़ी बहुत एडजस्ट कर लेना, मैं दिखा पाऊँगा या नहीं वो तो आगे चलकर ही पता लगेगा। वाला पेड़ इतना वाइट कैसे है? सामने मिलिट्री दिख रही होगी। अभी हम खड़े हैं झंडा लाइन रोड पर, आप सब देख सकते हो ये रहा पेट्रोल पंप, और ये रही वो जगह जहाँ पर रानी झांसी की मूर्ति लग रही है। और आप सबको एक बात बता दूँ कि यार रानी झांसी की जो मूर्ति है वो क्या कहते हैं यहाँ पर आ चुकी है, तो अभी उसका वीडियो बना नहीं पा रहा क्योंकि वहाँ पर पीछे बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स है। जब से पुलिस स्टेशन का है ना यार, ये बहुत ज़्यादा डर रही है कि इधर से नहीं जाऊँगा, तो जा तो सकते हैं हम इधर से, पैदल नहीं जा सकते इधर से, स्कूटी में जाएंगे। हाँ पहला पार्क है यहाँ पर देखो, इधर की साइड रानी की मूर्ति का काम स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा रश हो रहा है क्योंकि नवरात्रि वगैरह स्टार्ट हो गई यहाँ पर। ये वाली जगह है, इस साइड कंस्ट्रक्शन का काम चालू है सारा नवी है। ये जगह है सारा येरा पार्क, देखो येरा पार्क यहाँ पर, और यहाँ कहते हैं उधर की साइड रानी झांसी की मूर्ति लग रही है, स्टैचू जो भी है उधर की साइड है, वहाँ पर बन कर रखा है उधर का। यहाँ पर आप सब देख ही सकते हो पीछे कितनी ज़्यादा पुलिस फोर्स है, और इधर का रोड बिल्कुल खाली है, पीछे का पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है, देखो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स है। अंदर चल के देखते हैं। अब आप सबने देखा होगा पीछे मूर्ति लग गई थी, और यहाँ पर ज़्यादा सब्सक्राइबर मिला। व्लॉग कैसे लगते हैं चारों को? क्या नाम है चैनल का, नाम बताओ? ठीक है ठीक है, आगा सारे ब्लॉग। आप सबको बस ये अपडेट देनी थी कि पीछे मूर्ति लग चुकी है, बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि वहाँ की अपडेट दो, ईदगाह की अपडेट दो, तो ये आप सबने देखा होगा पीछे। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस ऑफिसर थे, तो यार वीडियो उस टाइम बना नहीं पाया, हमने पूछा भी था वीडियो की, बट वीडियो की बिल्कुल भी मना कर रहे थे, इस वजह से वहाँ की वीडियो नहीं बना पाया। चलते हैं। A few moments later. हाँ जी गाइस, हॉल के अंदर भी मैं आ गया, तो आप सब सोच रहे हो हॉल के अंदर मैं आता हूँ और व्लॉग को एंड कर देता हूँ, लेकिन यार इस बार ऐसा नहीं होगा, थोड़ी बहुत बात करेंगे फिर व्लॉग को एंड करेंगे। यार ये पता नहीं क्या हुआ है, देखना पिंपल 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 कहाँ है, कहाँ पर है,
हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, यहाँ पर है देखो फिल्म पिंपल हो रहा है मेरे, पता नहीं क्या हुआ, उस दिन यहाँ पर होगा था आज यहाँ पर होगा। चलो भाई आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर यार, आज हम ईदगाह गए थे और क्या कहते हैं, मैं कल भी ईदगाह गया था आज भी ईदगाह गया था, बट यार ब्लॉग बिल्कुल भी बन नहीं पा रहा क्योंकि यार इतने सारा पुलिस वाले, तो डर सा लगता है यार ब्लॉग बनाते हुए भी, तो मैंने बिल्कुल ऐसे ऐसे आप सबको दिखा दिया जो भी था। और क्या कहते हैं यार वहाँ पर राजा सिंह की मूर्ति आ गई है, तो आप सब ये वाली क्लिप देखो, रात के अंदर आई थी वाली क्लिप देखो। भाइयों ये देखो रानी झांसी की मूर्ति आ गई है लगने के लिए, वीडियो आप सबने देख ली होगी और वहाँ पर जो मूर्ति है वो लग चुकी है। और क्या कहते हैं यार ये वीडियो डालने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा यार आप सबको अपडेट दे दूंगी, 4-5 मिनट की छोटी सी वीडियो है, बट मैंने सोचा यार कॉन्स्टेंसी मैं चाह रहा हूँ डेली व्लॉग आप सबको दे सकूँ, डेली कुछ ना कुछ अपलोड कर सकूँ, तो ये छोटा सा व्लॉग आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको अलग व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।